गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर पोएम नंबर 1. द टाइटल ऑफ द पोएम इज आई मेंट टू डू माई वर्क टुडे. द पोएट ऑफ द पोएम इज हिज नेम इज रिचर्ड ले गैलियने. ये पोएम इन्होंने लिखी है और पोएम का नाम है आई मेंट टू डू माई वर्क टुडे. सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टाइम्स व्हेन वी हैव वर्क टू डू एंड येट वी फील लाइक प्लेइंग. ऐसा हम सबके साथ होता है कि हमें बहुत जरूरी काम करना होता है लेकिन हमारा चंचल मन करता है कि हम खेल लें, हमारा दिल करता है कि हम काम छोड़ के खेल लें. कोई ना कोई चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है कि हम काम छोड़ कर खेल लें. कुछ ऐसा ही इस पोएम में है. So let us recite the poem first. I meant to do my work today, but a brown bird sang in the apple tree, and a butterfly flitted across the field, and all the leaves were calling me, and the wind went sighing over the land, tossing the grasses to and fro, and a rainbow held out its shining hand. So what could I do but laugh and go? So let's read it line by line. I meant to do my work today. Meant to do, mean to do का मतलब है Having an intention, इच्छा होना, किसी काम को करने की इच्छा होना, to have a desire, कि मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं अपना काम करूं, today, आज मेरी अपना काम करने की इच्छा थी. But, लेकिन, a brown bird, एक brown color का पक्षी, एक brown color का bird, sang in the apple tree. एप्पल ट्री पर गाने लगा. वी कैन सी इन द पिक्चर अ ब्राउन बर्ड इज सिंगिंग इन द एप्पल ट्री एंड अ बटरफ्लाई फ्लिटेड अक्रॉस द फील्ड. और एक बटरफ्लाई, एक तितली फ्लिटेड मीन्स फ्लू अवे क्विकली. लेकिन एक जो तितली है वो फ्लू अवे, उड़ गई. क्विकली मीन्स तेजी से, अक्रॉस द फील्ड, खेत के ऊपर से होकर, खेत के अंदर से होकर एक तितली जल्दी से उड़ गई. एंड ऑल द लीव्स वर कॉलिंग मी, और सभी लीव्स, सभी पत्ते जो थे वो मुझे बुला रहे थे. पोएट को ऐसा लग रहा था कि पत्ते मुझे बुला रहे हैं कि तुम यहाँ पर आओ और खेलो. एंड द विंड वेंट साइंग ओवर द लैंड. विंड जो हवा थी, साइंग मीन्स ब्रीदिंग आउट स्लोली एंड नॉइजली. विंड जो होती है वो धीरे चलने वाली हवा जो है. वेंट साइंग का मतलब है कि जैसे सांस लेने की आवाज़ आती है वैसे ही हवा से आवाज़ आने लगी. ओवर द लैंड, जब हवा लैंड के ऊपर से होकर जा रही थी तो हवा में से सांस लेने जैसी आवाज़ें आने लगी. टॉसिंग द ग्रासेस टू एंड फ्रो. टॉसिंग मीन्स मूविंग अप एंड बैक, ऊपर नीचे हिलने लगना. ग्रासेस घास जो है वो बहुत ऊपर नीचे होने लगी. टू एंड फ्रो मीन्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड. बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, आगे पीछे होने लगी. जो घास है वो हवा के कारण आगे पीछे भी होने लगी और ऊपर नीचे भी होने लगी. एंड अ रेनबो हेल्ड आउट इट्स शाइनिंग हैंड. और एक इंद्रधनुष, रेनबो, इंद्रधनुष जो बारिश के बाद आसमान में दिखाई देता है, हेल्ड आउट इट्स शाइनिंग हैंड. उसने मुझे हेल्ड आउट, बाहर निकाला, शाइनिंग हैंड,
अपना चमकता हुआ हाथ। अब रेनबो अपना हाथ नहीं निकालता है, लेकिन पोएट को ऐसा लग रहा है कि रेनबो भी मुझे खेलने के लिए बुला रहा है। रेनबो अपना हाथ बढ़ाकर अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा है। द पोएट इज फीलिंग लाइक दैट। सो वट कुड आई डू, तो मैं क्या कर सकता था। वट मीन्स क्या, कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। बट लाफ, मैं हंसा एंड गो, और चला गया। भी मैं क्या करता, ये सब मुझे खेलने के लिए बुला रहे थे, तो मैं हंसा और खेलने के लिए चला गया। यू कैन सी इन द पिक्चर द पोएट इज प्लेइंग। सबसे पहले देखो, फिर से पढ़ते हैं इस पोएम को। आई मेंट टू डू माई वर्क टूडे, मेरी इच्छा थी अपना काम करने की। बट अ ब्राउन बर्ड सैंग इन द एप्पल ट्री, लेकिन एक ब्राउन बर्ड जो है वो एप्पल ट्री के अंदर गाने लगा। बट एंड ए बटरफ्लाई फ्लिटेड अक्रॉस द फील्ड, और एक बटरफ्लाई जो है, फ्लिटेड मीन्स तेजी से उड़ गई फील्ड में से होकर। एंड ऑल द लीव्स वर कॉलिंग मी, और सभी पत्ते मुझे बुला रहे थे। एंड द विंड वेंट साइंग ओवर द लैंड, और जो हवा थी वो जब जमीन के ऊपर से होकर जा रही थी, तो उसमें से ऐसे आवाज़ें आ रही थी जैसे वो सांस ले रही हो। टॉसिंग द ग्रासेस टू एंड फ्रो, टॉसिंग मतलब मूव अप एंड डाउन, और टू एंड फ्रो का मतलब है मूविंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। जो घास जो है, घास जो जमीन पर उगी हुई थी, वो ऊपर नीचे होने लगी और आगे पीछे होने लगी। एंड ए रेनबो हेल्ड आउट इट्स शाइनिंग हैंड, और एक रेनबो ने अपना हाथ मेरी तरफ, अपना चमकता हुआ हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। सो वट कुड आई डू, तो मैं क्या करता। बट लाफ एंड गो, मैं हंसा और चला गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।